नमस्कार सकाळ सतेज सकाळ आउ एक अध्याय को आपको स्वागत करुच्ची मु शक्ति मो सहित अच्छा मो सहयोगी कमलाकांत। तो आज अध्याय आम आगे बढ़ेबा तो सबुदिन पर प्रथम आम खबरकगज पृष्ठार जो गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक स्थान पाई से खबरकगज गुड़िक प्रथम नजर पकड़ा एवं आम प्रतिनिधि प्रस्तुत हो रही जोट कि ए संपर्क आमको सूचना देवे। तो आमे प्रथमे जो खबर गुड़िक आज आम आलोचना करवा से खबर गुड़िक प्रथम नजर पकड़ा सब बड़ खबर आम देखा जे कोरोना जदि नियंत्रण को आसी किंतु एवं भी कोरोना भय रही खास कर राजधानी भुवनेश्वर में जो भाव में पुणि थे कंटेनमेंट जोन फेरी राजेन्द्र विहार आपार्टमेंट से खबरटी अधिकांश खबरकगज गुरुतर सह नहीं से खबर को प्रकाश कर द्वितीय जो खबरटी वर्तमान समस्त को डराइला भली खबर ओडिशावासी को गोटे बात्या जा तार दुख न शुणु आउ गोटे बात्या आसूची जवाद ए कथा विभिन्न खबरकगज पृष्ठारे स्थान पाई दशहरारे बात्या भय आसूची बात्या जवाद। तो ताकू नहीं कि सब खबरकगज बड़ खबर कर जो खबर उपर आम आज नजर पकड़ा चढ़ा दर में सार बिक्री चढ़ाऊना एक सार अभावी बिक्री देखा मिलूँ सरकारी स्तर में सार मिलूना तो जो सार भी आसूसी चढ़ा दर में बिक्री करा एवं सरकारी विभाग किभली उदासीन से संपर्कित खबर स्थान पाई केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आउ एक प्रयास तपस्विनी एक्सप्रेस को एलएसबी कोच करा केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को चिठी लिखिं निजे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान निकटे यात्रा करते तपस्विनी एक्सप्रेस तो से यात्राकालीन समय यात्री मानकर अभियोग को आधार करी चिठी लिखिं आशा कर तपस्विनी एक्सप्रेस को मध्य एलएसबी कोच रे परिणत करा एवं आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर जो उपर आम आलोचना करवा कमलाकांत 1985 मेडिकल ऑफिसर पदवी खाली पड़ी आज्ञा तेब निहाती भाव में जोटा कि सबुठ बड़ खबर और चर्चार विषय और चिंतार विषय मध्य भुवनेश्वर को पुणि थे कंटेनमेंट जोन फेरी जो कोरोना को लेकिन जो संख्या को लेकिन टी आश्वस्तिर मनोभाव देखा थे समस्ते जे बोध हुए करोनार जो रूप रही निहाती भाव में बर्तमान कम हो भय भी कम रोचे किंतु भुवनेश्वर को जिते राजेन्द्र विहार आपार्टमेंट रे कंटेनमेंट जोन फेरी बर्तमान केवल भुवनेश्वर की राजधानी नुहे राज्यवासी निहाती भाव में चिंतार रही थे आउ टे अधिक सतर्क रे एक पुणि थे भाविया बाध्य हो तेरे देखा जदि 593 जन जो आक्रांत रही चिन्ह होते गत 24 घंटे ताधर खोर्धार 290 जन रही सब गुरुत्वपूर्ण कथा जे माने राज्य में सुस्थ हार जहाँ रही भुवनेश्वर से सुस्थ हार ताठू राज्य सुस्थ हार ठारू कम रही वर्तमान सुधा 100 तलू को कौदिन भी खसुना आक्रांत संख्या एवं 3000 सक्रिय रोगी रही राजधानी भुवनेश्वर में राजधानी भुवनेश्वर राज्य सब मृत्यु संख्या राजधानी भुवनेश्वर ही सर्वाधिक। तो ये हूँ चिंतार विषय आग को पार्वण ऋतु आसूची दशहरा दीपावली एवं सबू पर्व आग को आसूची तो यह स्थित जदि नियंत्रण को न आसे एवं जदि सचेतन न होती लोके परिस्थिति आहुरी भयावह हो पारे एवं कमलाकांत ये खबर उपर तो निश्चित रूपे जीवा आम प्रतिनिधि पाखक आम जाणी जो कहीं परिस्थिति एवं कौन पदक्षेप नौची बीएमसी वर्तमान तो ये बड़ प्रश्न आसूसी जितेबले विभिन्न समय खबर प्रकाश कराऊ बजार राजधानी जो राजधानी जो बजार रही सेठी भिड़ देखा मिली सेठी बीएमसी पक्ष तागिद करूँ आपार्टमेंट गोटे निहाती भाव में कंटेनमेंट जोन कराई निहाती भाव से गोटे पदक्षेप निहाती भाव कितु जदि बजार को दृष्टि रखता बीएमसी और जिला प्रशासन भी अधिक ध्यान देवार आवश्यकता रही है पूजा बजार आहुरी भिड़ से हम चिन्मयी आम प्रतिनिधि जोड़ी होती चिन्मयी राजेन्द्र विहार आपार्टमेंट को फेरी कंटेनमेंट जोन जो भाई भाव में स्थित नियंत्रण को आसूला और आगो को पूजा पार्वण ऋतु आसूची तो यह स्थित भुवनेश्वर में संक्रमण बढ़िया गोटे बड़ चिंतार विषय बीएमसी कौन पदक्षेप नौ निहत भाव में शक्ति जदि कहीपर गोटे कथा कि बीएमसी जहाँ पदक्षेप नौ काली जो जदि कह फॉरेस्ट पार्क निकटने जो आपार्टमेंट राजेन्द्र प्रसाद आपार्टमेंट रू पाखापाखि एकाधिक कोरोना रोगी चिन्हट होती जहाँफल कि आपार्टमेंट को पूरा सील कर एरिया को कंटेनमेंट जोन भाव में बीएमसी घोषणा कर अंचल समस्त सरकारी बेसरकारी संस्थागुड़ी दिन बंद कर दि जाए जो मानक अत्यावश्यक जिनस दरकार ताप्रति बीएमसी पदक्षेप नहीं
यदि कौन कहार देह खराब अच्छी कौन मेडिसिन दरकार सामग्री दरकार बीएमसी नहीं से कंटेनमेंट जोन एरिया लोक मेरे पहुँचाइबा कहने क्वारेटाइन रुहतु एवं जपर्यंत से जगार कंटेनमेंट जोन हटा जाए से भितर रुहतु बाहर लोक जावाक अनुमति ना भितर लोक मैंने से आपार्टमेंटर लोक मूँ बाहर को अनुमति दि जाए ना गोटे कथा कहीपर जेहेतु आगक पार्वण ऋतु आसूँ यही समय कोरोना संक्रमण वृद्धि करने गोटे आशंका से बीएमसी गाइडलाइन कर 50 जन को नहीं विवाह व्रतघर एवं श्राद्ध वार्षिक लोक मैंने जोगदेपर गोटे कथा आम कहीपर आगक जेहेतु पार्वण ऋतु आसूँ बीएमसी जो गाइडलाइन कर लोक मैंने मानवा दरकार ये भाव में जी कह राजेन्द्र प्रसाद जो आपार्टमेंट रही आपार्टमेंट को का सीज कर दि जाए कंटेनमेंट जोन भाव से एरिया को घोषणा कर निहाती चिन्मय यहाँ गोटे चिंतार विषय किंतु जदि देखिए आपण भी रिपोर्टिंग कला बेल राजधानी विभिन्न जो बजार रही सेठी बुलुथे तो सेठी किभली भाव में भिड़ नियंत्रण करा जिबो ताकु नहीं बीएमसी बा जिला प्रशासन बा कमिश्नरेट पुलिस पक्षर किसी व्यवस्था करा जाऊने ए अभियोग साधारण जनता भी करुछंती कारण जब देखा ये आपार्टमेंट ए अवस्था जदि आगक आसे तेज बजार में किभली भाव में जमी पूर्व चेकिंग होता बर्तमान लोकों मध्य से भयटा कम से कम देखा जाऊनि निहाती भाव में गोटे कथा आम कहीपर जेहेतु पार्वण ऋतु आसूँ लोक मितर गोटे सचेतनतार अभाव देखा मिलूँ लोक मैंने किणाकिणी बाहर को बाहर पूर्वर जी कह बीएमसी जो भाई भाव में सचेतन करूला और जगह जगह बुली चेकिंग करूला फाइन आदाय कर जो जगह गुड़िकर अधिक लोक जनसंख्या गहली होता से दुकान गुड़िक सीज करूला कितु कौटिना कौटी जब देखा तेज बीएमसी बोध हुए फेल मारी जदि यही प्रकार चले तेल आम गोटे प्रकार आशंका करपर आग को आगामी दिन में बर्तमान आपार्टमेंट निहाती गोटे सतर्क घंटी जे बर्तमान ठू केवल साधारण जनता नुहे बीएमसी जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार अधिक तत्पर होवार आवश्यकता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद एथिले आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि चिन्मयी आमको अधिक अपडेट दौले भुवनेश्वर में कोरोना स्थिति को लेकिन निश्चित भाव में द्वितीय खबर जगे खबर कागज पृष्ठ आसूँ चढ़ा दर में सार बिक्री चढ़ाऊ ना आमे जो कथा आलोचना करते सूचना दूसरे जे ये आउ कौटी नुहे राजधानी भुवनेश्वर निकट रे खोर्धा ब्लॉक खोर्धा जिला बेगुनिया ब्लॉक रे आसी खबर चाषी मान भितर एक नहीं प्रबल असंतोष निर्दिष्ट दर धार्य करा सरकार किंतु से धार्यर कौन ठीक ठिकाणा ना ताठारु अधिक दर में बस्ता प्रति 50 रु 200 टंका पर्यंत अधिक मूल्य बिक्री करा सार तो यह स्थित चाषी मान भितर असंतोष तेजबारे लगी ब्लॉक कृषि कार्यालय अधिकारी कर्मचारी पदवी दीर्घ दिन हे खाली पड़ थ चढ़ाऊ हो पार ना ये गोटे बहाना विष्णु प्रसाद कराम प्रतिनिधि इस संपर्क में अधिक अपडेट आम सहित जोड़ी होती बेगुनिया विष्णु प्रसाद जो भाई भाव में बेगुनिया सारर अभाव बिक्री चढ़ा दर में बिक्री हाँ गोटे बड़ चाषी असंतोषर कारण पलटि तो कहीं समस्याटी हो जदि सरकार दर धार्य अधिक दर में कहीं दोकानी मैंने बिक्री करी चढ़ाऊ करा जाऊ ना ये प्रश्न उठू हाँ निश्चित सत्य साई मुझे रखे बेगुनिया बोलगढ़ अंचल जेहकि कृषि प्राधान्य अंचल जेहक जी देखा बेगुनिया ब्लक 14,097 हेक्टर खरीफ धान चाष कर बोलगढ़ ब्लक 14,547 हेक्टर जमीन खरीफ धान फसल कर देखा जेहेतु धान बर्तमान थोड़ हवा समय यही समय धान में यूरिया और पटाश सार आवश्यकता रही जेहेतु पटाश सार यूरिया सार आवश्यकता रही देखा यही सारे जो चाषी मान जाते सारर बजार मूल्य 265 टाला बेले चढ़ा दर में बेपारी मैंने 450 रु 550 टाँचा भितर बिक्री करते पटे सार चढ़ा दर में बिक्री अंपटे पोक जहा कि चाषी मुझे गोटे चढ़ाव पकई द्वारा चाषी आज कांदुची अंपटे जो देखा कृषि विभाग क्या कह बेगुनिया कृषि विभाग हौ कि बोलगढ़ कृषि विभाग हूँ ये आम जिते सहित जोजोग करूँ सी गोटे कथा कहते आम चढ़ाउ करुचु कि बास्तव में चढ़ाउ क्या होता देखा मिलूनी चाषी आज अभाव सार चढ़ा दर में बिक्री कि बाध्य जेहेतु कृषि विभाग नीरव प्रस्ताव जेहेतु धान एवं थोड़ा चाष क्षेत्र में धान
ଅମଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଚାହିଁବ ତା ଧାନ କେଜି ଅଧିକ ଅମଳ ହଉ ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ସାରର ଅଭାବ ଗୋଟେ ବଡ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି କୁହାଯାଇପାରେ ତ କାହିଁକି ଏଠି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଯେଉଁମାନେ କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କାହିଁକି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉନାହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜଧାନୀ ନିକଟରେ ଇଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆର ସମସ୍ୟା ଯଦି ବାକି ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ସୂଚନା ପାଇଁ ତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ସାରର ଅଭାବ ବିକ୍ରି ବା ସାର ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ପାଲଟିଛି ବଡ଼ ଖବର ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାରଣ ଆମେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଯେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବକ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବକ ତାଙ୍କର ଠିକଣା ଏବେ ମିଳିଯାଇଛି ସେ ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ କର୍ଲାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌଡ଼ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜରାଟ ଯାଏ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେବେ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖବର ଅର୍ଗସ୍ ଯାହା ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ତାକୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ମିଳିପାରିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା କହିବା ହଁ କମଳାକାନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ କର୍ଲାଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଅଛି କର୍ଲାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଗୌଡ଼ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାଟକୁ ଯାଇଥିଲେ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ପେଟର ଯେଉଁ ଭୋକକୁ ମିଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷାଘାତରେ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଭଉଣୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ମାନେ ରାକ୍ଷୀର ଯେଉଁ ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାଇକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଠିକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଲା ଏବଂ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଭଉଣୀ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ବସିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଏବଂ କିଛିଟା ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ଗତି କରୁଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାଟର ଜଣେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ତାହା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାପରେ ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ଭବାନୀପାଟଣାର କର୍ଲାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଅଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଗୌଡ଼ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ଯମୁନା ଗୌଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଗାଁର ପୁରା ଖୁସିର ମାହୋଲ ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ଗାଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ବାପା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କେଉଁଠିକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା କେବେ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲା ଗୁଜୁରାଟ ମୋର ଝିଅ ବେମାର ହୋଇଗଲା ସେଥିର୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ହଏ ଆର୍ କାଁ କର୍ବ ପେଟର ଲାଗି ତ ପେଟ ତ ମନ୍ଦି ବସା ହେଲା ନାଟ କରୁଛି ହଏ ତାପରେ କେତେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲ କାଣା କେତେ ଖୋଜି ଯାଇଥିଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଲି ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆଠ ଦିନ ପନ୍ଦର ଦିନ ଭକା ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋର ହରିଆଣ ହୋଇଗଲି ହଁ ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧା ଖାଇଲି ଆର୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆର୍ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋର ପିଲା ଲାଗି କେତେ କାନ୍ଦା ବବା ହେଇକରି ମୁଇଁ ଆଇଲି ଗୁଜୁରାଟରୁ କେତେ ହରିଆଣରେ ଆଇଛି ଏବେ ମୋର କଥା ମୋତେ ଜଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ଅତି ମାନେ ସେ ଯାଇକି ଖୋଜିଥିଲେ ଏବଂ ପାଇନଥିଲେ ଯେମିତିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖୋଜିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ଗୁଜୁରାଟ କେବେ ଗଲା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ନେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବରଷ ଏବେ ଇସୁ ସଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଗଲା ପେଟର ଲାଗ୍ତି ଝିଅ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଧରଲା ଦାଦନ ଖଟବା ଲାଗ୍ତି ଯାଇଥିଲା ପଇସା ପତର ସଟ୍ ହେଲା କେ ଝିଅକେ ଯତ୍ନବା ଲାଗ୍ତି କମାଲା ନେଇ ଧମାଲା ନେଇ ରହିଗଲା ହେତି ଏବେ କେନ୍ତା କରି ଖବର ପାଇଲ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା ହଏ ପିଲାକେ ଦେଖି କରି ଶୁଣିଲାକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ପୁରା ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ଏ ଗାଁର ଯୁବକ ବୋଲି କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ତଥା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମା ବାପାକୁ ଡାକିଲି ଡାକିଲା ପରେ ଦେଖେଇଲି ତାଙ୍କ ଏମିତି ଆମର ପୁଅ ତ
हाँ ये बोले आम पुआ सांगे सांग भाई रखी थे गुजरात में से भाई के सांगे सांगे फोन कली फोन कल डॉक्यूमेंट जानते आधार कार्ड जोटा थी आम पाखे आधार कार्ड चौल कार्ड जोटा थी सब मुई पठेली पाखकू पठेला से भाई कहले आर मुई अच्छे किसी असुविधा नहीं रखी सर मन को माँ बापा को वीडियो कॉल करी वीडियो कॉल कथा करेंगे से पुआ सन भी कथ हेलु बात आजकि आम जान पाँच वर्ष भौणी लगे जाइर भौणी जड़े पारालाइस पेसेंट से भौणी में गला से भौणी लगे गला दुई वर्ष कथा होता गोटे वर्ष दुई वर्ष कथा होता वर्ष पाँच दुई वर्ष गला कथ ही नहीं पारि से कण है कि नहीं खोज मैंने खोजा खोजी कले पाँच वर्ष पंद्रह दिन मसे खोजिले नहीं पाला कांदी बोबी को आसे बहुत मैंने चिंतार थे पाला बहुत खुशी अच्छे आम बहुत खुशी अच्छा ए आनी जावा लगे आम सब बाहरी गाँववासी और बहुत खुशी अच्छा और बर्तमान भाणीपाटना जाऊँ निश्चित भाव में कमलकांत देखो तो गोटे बर्तमान आम कही पार्बा खुशी कथा कहीं समस्ते गाँव बेले समस्ते बाहरी जो पूर्ण गौड़ जी अच्छा गुजरात में अच्छा आनी जावाई समस्ते गोटे प्रकार रेडी माँ बापा भी जाते सांगे मानने भवानीपाटना जाऊँच भवानीपाटन बर्तमान से भवानीपाटना गलापर गुजरात को जब पुओ जो पूर्ण गौड़ से उद्धार करके आने कमलाकांत तो निश्चित रूपे बापा माँ मन में खुशी रहा पर लोके हूँ साई पड़सा ग्रामवासी समस्त खुशी होगा स्वाभाविक कथा एत दिन पर निखोज पूर्ण गुड़ पत्ता मिली एवं ये उद्यम सफल होती अर्गस न्यूज्र प्रयास जो अर्गस न्यूज ही से भाइराल वीडियो को प्रसारण करतापर ही जमापड़ा जे ये हूँ पूर्ण गौड़ पर लोके जानापर बर्तमान आने उद्यम आरंभ हो बहुत बहुत धन्यवाद जशवंत तो आगुक किसी खबर का पृष्ठ गुरुत्वपूर्ण खबर रही सब बड़ खबर जे बात्या पुणी एक बात्या मुंड टेके आसवाक जाऊँ दक्षिण ओडिशा उपकूल में ता लैंडफॉल करिपारे एभली खबर वर्तमान विभिन्न खबरकगज पृष्ठ स्थान पाई से आगुक आम आलोचना करवा कि समय हो गए छोट विरतिर खूब शीघ्र फेर ब्रेक परे पुणि थे सते सकाल को स्वागत तबे जहाँ परवर्ती खबर रही जोटा कि पूरा ओडिशावासी निहाती चाहूबे ए खबर सत रहो जे आउ गोटे बात्या आसुची केवल पूजा बजार कथा नुहे आउ गोटे बात्यार भय एवं दुई दुईट बात्या दाना बांधुची एवं गोटे देखा जदि दस रे उत्तर आंडमान सागर में लघुचाप चौदह किंबा पंदर रे दक्षिण ओडिशा रे माड़ होबार आशंका करा जाउची जिलापाल मानकु चिठी लिखाई सतर्क रहिबापई सेपरि आसुची बात्या जवाद से मध्य आउ गोटे विपद तबे गोटे परे गोटे बात्या ओडिशा रे जमती पिछा छाड़ूनी एबे पूजा बजार करोना रो माड़ सहुची ता सहित एबे बात्यार भय तो जदि ए कथाटी जदि सत हुए जदि वर्तमान भारतीय पाणीपाग विभाग ए संपर्क रे कोनोसी स्पष्टीकरण देना ये अलग मॉडल जो रही विभिन्न पाणीपाग केन्द्र एवं से आधार रे खबर विभिन्न खबरकगज पृष्ठ रे सामना को आसी जदि एटा सत हुए ठीक एही समय रे ताले जदि बात्याटी उपकूल को आसे ताले दशहरा माड़ खाइबा एथर सुनिश्चित कारण ठीक दशहरा बेलू ही बात्याटी ओडिशा रे लैंडफॉल करिबा पवन एवं वर्षार बेग मध्य प्रबल रहिबा पीताम्बर नाहक आम प्रतिनिधि ए संपर्क में अधिक अपडेट्स आम सहित जोड़ी होती पीताम्बर आउ एक बात्या को लेकिन वर्तमान जितेबाला खबर आसुची ए बात्याटी आंध्र एवं दक्षिण ओडिशा निकटे लैंडफॉल कर स्थलभाग स्पर्श कर एक आशंका करा गोटे बात्या एवं जाकू दक्षिण ओडिशावासी जितेबाला मुंड अंटा सड़की ना तो से आउ गोटे बात्यार आशंका बर्तमान शक्ति साई निश्चित भाव कही पार जानते किसी दिन पूर्व जो गुलाब आसी से बेले लोक मन में गोटे छंका पशिता ऋषिकुलिया नदी गोटे गजपति वंशधारा नदी विशेष भाव जदिओ प्रभावित हेलानी जड़े दु जन एम भासी जीवाटा खबर आसला कि बर्तमान समय रे जो बात्या आसुची तार पवन रेग के हम बर्षार परिमाण के हम जदि बात्या न हुए केवल लघुचाप आकार लोक मान पड़े तेरे बर्षार परिमाण मात्राधिक हो पाए तो बर्तमान विशेष भाव केवल जे पूजा बजार दशहरा यह प्रभावित हम ता नुह जो भाव में बर्तमान चाषी विशेष भाव बेसी क्षतिग्रस्त हे चाषी कहीं आप जानते सारा दक्षिण ओडिशा जदि ए चाष कथ कह बर्तमान समय समस्ते धान चाष करते आई धान चाष समय जिते बात्या आसे से बर्तमान धान पुड़ा धरवार समय अर्थात धान जिते बड़े फुल धरू से पा निश्चित भाव प्रवेश कर तो से चाषी मान विशेष भाव क्षतिग्रस्त हे अंपटे
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଗୁଲାବର ଯେତେବେଳେ କମ୍ ପରିମାଣରେ କିଛିଟା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ ଧସିବାର ଖବର ଆସିଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବେ ଗଜପତି କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜାମର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏସବୁ କୋରାପୁଟ ଏସବୁରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ ବାତ୍ୟାର ଅପଡେଟ୍ ଆମେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିବୁ, ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କୌଣସି ଏଯାବତ୍ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତିନି ଦିନ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୀତାମ୍ବର ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟାର ଭୟ କେତେ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଥିରେ ପୀତାମ୍ବର ନାଗ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଯାହା ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ 1985 ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେପଟେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିବ ଏବଂ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପୂରଣ କରାଯାଇପାରୁନି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏହାଟା ବାଧକ ସାଜିଛି ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା ଆସିଛି। 1586 ପଦବୀ ଏଥିପାଇଁ ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ କାରଣ ସଂରକ୍ଷିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ SC ST ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ଇମ୍ରାନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାନା କହିବା ନା ପ୍ରକୃତରେ ନା ଏଇଟା ଏହାର ସମାଧାନ ରହିଛି? କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା, ତାପରେ ଯାଇକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଯଦି ପଦବୀ ଅଫିସର ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ନା କେବଳ ବାହାନାବାଜି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ କମଳକାନ୍ତ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସଜାଡି ଦେଇଛୁ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆମର ମଜବୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ କୋଠି ନା କୋଠି ଏହା ପୁରା ଖୋଳ ପରି ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଦ ଏବେ ବି ପାଖାପାଖି 1985 ଖାଲି ରହିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ସଂରକ୍ଷଣର କେବଳ ଅଟକି ରହିଯାଇଛି 1586 ପଦ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପଦ ପଦବୀରେ ରହୁଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ନା ମେଡିକାଲ ଅଫିସର, ଖାସ କରିକି ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ପଦ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଖାଲି ପଡିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଜୁନିୟର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 650 ଜଣଙ୍କ ପଦ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପଡିଛି। ତ ଏପରି ଭାବରେ ପୁରାପୁରି ଭାବେ କାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ପଦ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତାର ଜବାବ ଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏହାକୁ ନେଇକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ବା ଖାସ କରିକି ଯେତିକି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଛି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେଠି କେତେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଶୁଣାଣି କରିକି ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର ଏବଂ ବିପି ରାଉତଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହାର ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଯାହାକି ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିକି ସରକାର ଯାହା ତାଙ୍କର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 786 ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଉ OPSC ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 462 ଜଣ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବଳ ବୁର୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କାରଣ ବୁର୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1123 ଯୋଉ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଥିଲେ ବା ମେଡିକାଲ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବାକି ଅନ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ 563 ଜଣ ଯୋଉ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଯଦି କହିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1123 563 ଜଣ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 560 ଏବେ ବି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର କଥା କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା OPSC ମାଧ୍ୟମରେ 480 ଜଣଙ୍କୁ OPSC ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏବେ ବି 40 ଜଣ ପ୍ରଫେସର, 94 ଜଣ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, 14 ଜଣ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ବି ଆମେ ଯଦି ଦେଖି ଫୁଟା ପଡିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ପାଖାପାଖି 500 ପୋଷ୍ଟ ଯଦି ଖାଲି ପଡିବ ତାହେଲେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠପଢା ହବ କେମିତି? ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖାଲି ଖୋଲିଦେଲେ ଚଳିବନି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦରକାର, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ତିଆରି କରି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିବ, ରୋଗୀ ସେବା ହେବ କେମିତି? ଯଦି ତୃତୀୟ ଲହର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠି କେମିତି ରୋଗୀ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରୋଗୀ ସେବାକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ପୁରୀ ହଟିଆ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ LHB କୋଚ୍ରେ ପରିଣତ କରାଯାଉ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବକୁ। ନିକଟରେ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରେଡ଼ାଖୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଧାର କରି ଏ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି
मलयरंजन भोई आम प्रतिनिधि संबलपुर अधिक अपडेट सहित आम सहित जोड़ी होती मलय तपस्विनी एक्सप्रेस जो भाई भाव में केवल पश्चिम ओडिशावासी नुहति पूरा जो कह जो उपकूल को पश्चिम ओडिशा सहित तो जोड़ी था गोटे बड़ जोगाजोगर माध्यम एवं ताकू एलएचबी कोचर आवश्यकता एक निजे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अनुरोध कर केन्द्र रेलमंत्री को चिठी लिखिंट यहाँ जदि एलएचबी कोच रणत कराऊा पश्चिम ओडिशावासी से ट्रेन में जातायात करुवा से रूट दे जो रही आखपाख अंचल लोकों पर केत बड़ उपलब्धि हो पार ये कौटे ना कौटे स्वागत जो पदक्षेप निजे केन्द्र शिक्षामंत्री ट्रेन जोगे भुवनेश्वर रेडाकल आसे अक्टोबर 2 तारीख आठे से निजे अनुभूति कले एल एच बी कोच हेल्ले किभ जात्री को सुविधा मिल पार आप देखो आ दाबी आया को लेकिन जो जात्री सहित निजे ट्रेन भर आलोचना कले आवर्त समय किभली एल एच बी कोच परिणत करलमंत्री को बर्तमान समय चिठी लिखिंट तो देखा ये आगामी समय जितने एल एच बी कोच हे कौटे ना कौटे अधिक सुविधा हो पार्ब आप देखो पूर्व राजधानी एक्सप्रेस एभल व्यवस्था रही है निकट में जो हीराखंड एक्सप्रेस एभल एल एच बी कोच व्यवस्था रही तो कौटे ना जितने पूरी हाटिया ये जो तपस्वी कह पूरी टू नहीं कि संबलपुर आ संबलपुर लेकिन हाटिया जाऊँच तो कौटे ना कौटे जिते बेले आसूची तो ये ट्रेन जोगे पाखापाखि पूर्व पश्चिम दक्षिण अनेक ओडिशार विभिन्न अंचल देखि ये ट्रेन जाऊँच तो कौटे ना कौटे जिते बेले एल एच बी कोच हे तो समस्त जात्रियों पर कौटे ना कौटे बड़ सुविधा सुख हो पार कहीं यार भल पदक्षेप केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान चिठी लिखिंट आशा करवा पूर्व हीराखंड एक्सप्रेस सारी जोटा कि भुवनेश्वर जगदलपुर सेठी ता एल एच बी कोच परिणत हो तपस्विनी एक्सप्रेस खूब शीघ्र हो एल एच बी कोच हवा द्वारा तार सुविधा हो यात्री मान गोटे आरामदायक यात्रा मिल पार ये कम शब्द हुए अधिक कोच रे अधिक स्पेस मिल पार आरामदायक कंफर्टेबल जर्निंग ये गोटे बड़ पदक्षेप केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा चिठी लिखिंट रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को जिकि ओडिशार मध्य प्रतिनिधित्व करुछन एवं आशा करा जाउछि जे खूब शीघ्र अश्विनी वैष्णव एने कि घोषणा करिवे एवं पदक्षेप मध्य नेबे नहाते जदि देखा परवर्ती खबर पर हकी गोटे खुशी खबर पुणि थे आसूँ जो एफआईएच पुरस्कार पोछि नहीं भारतीय हकी खेला प्राय 8 पुरस्कार मिली भारतीय खेला जो रही प्रशिक्षक रही तेज अधिक आलोचना आम सहित आम प्रतिनिधि सुशांत साहू रही सुशांत श्रेष्ठ खेला श्रेष्ठ गोलकीपर श्रेष्ठ उद्यमान खेला श्रेष्ठ प्रशिक्षक निहाती भाव ओलंपिक पर एटा भी गोटे बड़ खुशी खबर हॉकी प्रेमी को पाई देखु कमलाकांत आप देखिथे उभय पुरुष एवं महिला दल जो भाव ओलंपिक रे परफॉर्मेंस देखिथे एवं जो भाव से प्रदर्शन रहा सबुआड़े जो देखिए विभिन्न प्रकार विभिन्न महलर तई प्रशंसार सुअ छुटा आपत जानते अंतर्जातीय हॉकी महासंघ पक्षर जोटा घोषणा कराइला ये आवाड़ा यार प्रोसीजर रोच 50% होतीय हॉकी महासंघ जो मैंने रही भोट देते आउ 25% रही गणमाध्यम प्रतिनिधि सहित प्रशासक मैंने भोट देते आउ जो 25% ऑनलाइन भोट जरिया रे जो माने चाहिबे से माने भोट दे परिबे आपण जानिचंती वर्तमान विश्व चैंपियन होउची बेल्जियम टीम एवं ओलंपिक रे मध्ये बेल्जियम टीम चैंपियन होइतिला किंतु आपण देखंतु जो भली भाबे भारतीय खेलाडी माने एवं ताक सहित भारतीय प्रशिक्षक जो माने थिले से माने मध्ये ताकु पछर पखाय एफआईएच रो जो भी अवार्ड होउची से सबु को हाते जंती प्रथम कथा देखंतु प्रथम जोटा रहिची प्लेयर ऑफ द ईयर एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर आपण जदि पुरुष विभाग कथा देखिबा पुरुष विभाग रे पाइचंती हरमनप्रीत सिंह जे कि भारतीय हॉकी दल रे ड्रैग फ्लिकर भूमिका निभाई थांती एवं ड्रैग फ्लिकर भाव में खेली थापरी भाव जदि महिला कथा विचार करिबा से विभाग रे मध्य जीति गुरजित कौर जी कि आप मन रखिथे ऑस्ट्रेलिया विपक्ष जो होता क्वार्टर फाइनाल मैच तांकरी गोटाई जो पेनाल्टी कर्नर से जो गोटाए गोल स्कोर करते बल में भारत महिला हॉकी दल सेमीफाइनाल पहुंची पारिथिला सेपरी भाव प्रशिक्षक कथा देखंतु भारतीय पुरुष दल प्रशिक्षक ग्राहम रीड मध्य जीति सहित जोएड मारिन मध्य जीति जी कि भारतीय महिला हॉकी दल पूर्वतन प्रशिक्षक अर्थात जितेबाला टोकियो ओलंपिक सरला अवधि सरीगला गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कही रखी जी रही बेल्जियम दल प्रशिक्षक जहाँ टार्गेट थिला
बेल्जियम दल को सी यूरोपियन कप चंपिन करेंगे विश्वकप चंपिन करेंगे ता सहित ओलंपिक पदक जितेबे सी तीन तीन जहाँ कही कर देखाई मात्र जब देखा एफआईएच जो अवार्ड में एफआईएच अवार्ड में ग्राहम रीड पछर पक ग्राहम रीड पदक जीति से भाव हरमनप्रीत सिंह कथा कह हरमनप्रीत सिंह जो एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर जो अवार्ड जीति से अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स दाबीदार थे अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स आप मन रखि भारत विपक्ष बेल्जियम जो सेमिफाइनाल मैच हैट्रिक गोल स्कोर करते जहाँ हैट्रिक गोल स्कोर पर भारत दल भारतीय हॉकी दल टोक्यो ओलंपिक फाइनाल खेल वंचित होता है से उदयमान खेलाड़ी कथा कह बेक सागर भारतीय खेलाड़ी को पुरस्कार मिलवा तो निश्चित रूपे भारतीय हॉकी को आहुरी आगकू नब उत्साह प्रदान कला भली ये खबर आसुची भारतीय हॉकी पाई बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत तो आगकू आम द्वितीय पर्याय को जी सतेज सकाल आम सहित अतिथि जोड़ी हे कि पूर्व समय होती कार्यक्रम गोटे छोट ब्रेक नहीं जा देशर 75 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को राष्ट्र उद्देश्य उत्सर्ग करेंगे प्रधानमंत्री पूर्वाह्न 11:00 उत्तराखंड ऋषिकेश स्थित एम्स रे उपस्थित समावेश को संबोधित करेंगे मोदी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे राज्यपाल समेत उत्तराखंड मुख्यमंत्री बलांगीर भीमभोई मेडिकल कॉलेज रे डाक्टरी छात्र आत्महत्या परिवार लोके आणिले हत्या अभियोग रात्रे परिवार सह वीडियो कॉल माध्यम रे होइथिले कथा मेडिकल कॉलेज कर्तृपक्ष भूमिका को नहीं उछला प्रश्न अर्गस रेंजर बड़ प्रभाव मिला कलाहांडीर मानसिक विकारग्रस्त युवकों ठिकना भवानीपाटना ब्लक करलागुड़ा गांव पूर्ण गौड़ मिलला पता 5 वर्ष पूर्व गुजरात खटिबा को जाई निखोज होते युवकों फेर आने को प्रक्रिया आरंभ आसुची आउ एक लघुचाप दशहर वर्षा भिजिब ओडिशा 10 अक्टोबर उत्तर आंडमान सगर में सृष्टि हेबो लघुचाप क्षेत्र प्रभाव में 15 आड़ उत्तर आंध्र दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र सूचना वज्रकप्त छुरासलन इंटरनेशनल रूट पश्चिमबंग आसाम मिजोराम चीन नहीं जाऊँगी ओडिशा पैंगोलीन मेडिसिन पाई वज्रकाप्ता विदेश को जाउथबा सूचना डील बेले धरा हला 2 केजी रु अधिक वज्रकाप्ता काति मयूरभंज बांगीरीपोषी आवास केलेंकारी भंगा घरे पोस्टर लगाई सरपंच लुटी नेले आवास टंका किसी फेरबा को जीआरएसटी धमक प्रश्न दायी सरकारी अधिकारी को विरोध रे केबे हेबो कार्यनुष्ठान खोलाजीव महाप्रभु रत्नभंडार रत्नभंडार रहस्य उपरूबे हटव पर्दा राजनैतिक दल संगठन आंदोलन को ओह्लैक पुरीर कलेज पढ़ुआ छात्र छात्री चेतावनी रत्नभंडार स्थित नहीं राज्य सरकार स्पष्टीकरण दावी विकलांग अवस्था ई डिस्पैच पोर्टाल गुरुत्वपूर्ण चिट्ठी अपलोड करूनाहांती अर्धाधिक विभाग कौन लुचाइबा पाई चाहुचंती राज्य सरकार विरोधी आणिले संगीन अभियोग चिठी अपलोड कले खोलीजीव दुर्नीति और भ्रष्टाचार रिपोर्ट ओडिशा गस्तर केन्द्र राष्ट्रमंत्री अश्विनी कुमार चौबे आज पुरी में सागर तट स्वच्छ अभियान और आजादी के अमृत महोत्सव योगदान कार्यक्रम श्रीमंदिर में श्रीजीव दर्शन पर विभाग अधिकारी करेंगे आलोचना एक बड़ खबर आसुची द्वितीय पर्यायर आम सतेज सकाल जावा अतिथि पाक जा बड़ खबर उपर प्रथम नजर पकाया जो बलांगीर भीमभोई मेडिकल कॉलेज डाक्तरी छात्री आत्महत्या करी लोके आनी हत्या अभियोग बलांगीर भीमभोई मेडिकल कॉलेज हस्पिटाल अघटन घटी जड़े तृतीय वर्षर छात्री निरुपमा नंद आत्महत्या कर जमापड़ी किंतु पर लोके झी को हत्या करोग आत रात झी परिवार बापा माँ भाई भणी कथ होते फोन और वीडियो कॉल माध्यम किंतु राति 12टा पर मेडिकल रु
ଫୋନ୍ କରି ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ପରିବାର ଲୋକେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଝିଅ ଯଦି ରାତିରେ କଥା ହେଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରତିନିଧି ତରୁଣ ସାହୁ। ତରୁଣ, କ'ଣ କୋ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କଥା ହେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି, ଗତକାଲି ରାତିରେ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11:27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରୁପମାନନ୍ଦ, ଯିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ, ପରିବାରର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଡିପ୍ରେସ୍ ନଥିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ରାତିରେ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ 12:00 ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ୍ ଯାଇଥିଲା ଯେ ନିରୁପମାନନ୍ଦ ଝରକାରେ ଓହଲିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଫଳରେ ତୁରନ୍ତ ପରିବାର ଲୋକେ, ଯେହେତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଖରେ ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଟା ଅଛି, ସେହି କଲେଜକୁ ଆସିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନିରୁପମାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତାକୁ କଢ଼ା ଯାଇଥିଲା, ବେକରୁ ରସି କଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଝରକାରେ କିଏ କେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନିରୁପମାନନ୍ଦର ଜଣେ ସହପାଠୀ ଅନ୍ତର୍ରାମ ମିଶ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଥିବା ନେଇ ପରିବାରକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦଶହରା ଆସୁଛି ତ ଯେଉଁ ନିରୁପମାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ, ହଷ୍ଟେଲର ରୁମ୍ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ସେଠାରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବତୀ ଯେଉଁ ସହପାଠୀ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ନିରୁପମାନନ୍ଦ ଏକା ହିଁ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଯେଇ କଲେଜ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲଟି ଅଛି ସେଇ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲର 3rd ଫ୍ଲୋରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଝରକାରେ ଓହଲିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଡିନ୍ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଡିନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଛାନଭିନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନିରୁପମାନନ୍ଦଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ପରିବାର ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିକି ଏହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଆଜି ଦିନ 10ଟାରେ ହେବ ଏବଂ 10ଟା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ପୁରା ଘଟଣା ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଝିଅକୁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ନିରୁପମାନନ୍ଦ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ର୍ୟାଙ୍କରେ ସେ 502 ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଯେହେତୁ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ପେପର ରହୁଥିଲା ତ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହୋଇକି ନିରୁପମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ବା ତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଅରୁଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଯେ ପରିବାର ଲୋକେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଝରକାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଝୁଲିକିରି ଝିଅ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଏବଂ ଗତକାଲି 11:27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲେ, 12ଟା ପରେ ଖବର ଆସିଲା ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ନେଇକି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବକ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ସନ୍ଦେହ ଯାଇଛି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର। ତ 10ଟା ସମୟରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ସେ ଆଧାରରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ, କାହିଁକି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ନା ଯେଉଁ ଆଧାରରେ କୁହାଯାଉଛି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଖବର ଜାରି ରହିବ। ଆଗକୁ ଆମ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜିର ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ତାଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗୀତ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସତେ ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ସବୁଦିନ ପରି। ଆଜି ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି 35 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତେ ସକାଳକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆପଣ 35 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରିକି ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଉଛନ୍ତି, କ୍ଲାସିକାଲ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ପସନ୍ଦ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ପ୍ରାୟ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆପଣ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ କେମିତି କ'ଣ ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ କମଳାକାନ୍ତ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା, ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣେଇବେ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଯେହେତୁ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ମାଆଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ମା ଗୋ
करुणा टिके देवु मा रहिछि चाहि मा करुणा टिके देवु मा रहिछि चाहि मा गो दयामयी करुणामयी मागो दयामयी करुणामयी धन मान ज्ञान दाई सुखदा शुभदामयी धन मान ज्ञान दाई सुखदा शुभदामयी दुख हरा प्रीति झरा महिमामयी मा दुख हरा प्रीति झरा महिमामयी तो करुणा बिना कहीं लभिछि कि सुख केही तो परिमा दयामयी जगते नाही मा तो परिमा दयामयी जगते नाही मागो दयामयी करुणामयी खूब सुंदर थी दयामयी करुणामयी माँकर ये भजन रु आरंभ होई छी तो यात्रा निश्चित रूपे जो कथा कमलाकांत आपण पचारिबा को चाहूतले मैडम को जे आपणकर संगीत प्रति भल पाइबा संगीतर यात्रा आपण को केते संतुष्टि देछि एवं ताकु नै कि आपण केते खुशी संगीत मो जीवन रो सब किछि संगीत पाई मु पंची छी एक्चुअली मोर क्लास फाइव रु संगीत स्टार्ट हेतिला सेतेबेले बापा मो बड़ भणी कि नै जाउतले गीत स्कूल को मु कांदिवारु मते नै आगला किंतु मासे पर तार बंद हो गला मु कंटिन्यू कली आ गीत प्रति भल पाइबाटा एत मैं क्या कही हेनी बहुत भल पाए मत संगीत मो जीवन में मत बहुत साहय कर बहुत साहय कर मैडम समय तो कम रही आपन को आम पाइछ इच्छा होपन ठूँ गीत शुणापी कारण जमीक आम देखुले जे क्लासिकाल सिंगर जब जे शिखी ता गीत आज जो मैंने न्यू कमर रही भितर नि फरक तो बारी हो पड़ा तेज आम तो माँ का भजन रु आरंभ कले तेज आपण को पसंद आउ गोटे गीत होपर आप आलोचना मागिबि बोली केते मु भाबिली एडे बड़ ठाकुरंकु कियबा मागिबि बोली केते मु भाबिली एडे बड़ ठाकुरंकु कियबा मागी थांती स्वर्ग सुख इंद्र भुवन सुखर सपन बा नंदन कानन अली कई सुख सब मागी न पारिली एडे बड़ ठाकुरंकु कियबा मागिबि बोली केते मु भाबिली एडे बड़ ठाकुरंकु किया बा मागी भी।
बहुत सुंदर शास्त्रीय संगीत ये जो महाप्रभुंकर जड़ाणटी आपण दर्शक मानक शुणले मैडम वर्तमान समय रे आम देखुचे युवपीढ़ी खास करी से माने पॉप म्यूजिक एवं ए सब प्रति बेसी आग्रह देखाउछन्ती शास्त्रीय संगीत जोटा मेलोडियस संग जो गुड़िक आम कहे ता प्रति युवपीढ़ी आकर्षित होना एक कथा को आपण मत कौन ए प्रसंगे नहीं जहाँ भी गाइले जहाँ भी गाँव किंतु क्लासिकल बेस थिले सब जिन परफेक्टली गाईपर मान ट्रेंड हो क्लासिकल आज जहाँ गाँव तेल ठीक लगे कान को विधिवत संगीत शिक्षा नक बहुत युवपीढ़ी रही जो मैंने स्टेज को जाऊँगी परफर्म करते दूर से भूल स्टेप आगू जाए नहीं जिते भगवान देती जी निजर एफर्ट जेहतु किसी ना से बेस आगे जापर तो विधिवत शास्त्रीय संगीत शिक्षा करिबा निहाति जरूरी जने निहाति जरूरी संगीत रे करियर करिया पई जदि चाहन संगीत को बुझिबा दरकार गोटे जिनस बुझी के गाइबा गोटे बुझी के गाइबा दरकार सुर विषय सेंस थिवा दरकार तले से आगु को जाई परिबो ओके आपण जो आपण संगीत यात्रा भितरे आपणकर अनेक सफलता मध्ये पाइछन्ते अनेक अवार्ड मध्ये पाइछन्ते किंतु आपण को त जीवन रे काहा को गोटे आदर्श भाव रे धरिथिबे क्या फलो कर भल पाथे कौन सी जितिय स्तर हूँ आम राज्य कौन सी कंठशिल्पी हूँ कैबल्य कंठ ये अर्जुन चरण सामल मुझे बेस फलो कैटाइल मुझे बेस गाई सी मत प्रथम स्टेज को सी नहीं गीत मुझे मैक्सीम गाए कंपोजिशन भी मैक्सीम गाए अर्जुन सामल गोटे लोकप्रिय गीत पुणे दर्शक मान शुण अच्छा जसोमती जननी गो मार नाहियाओ जसोमती जननी गो मार नाहियाओ खाइले लवणी सर कला कानु खाओ जसोमती जननी गो मार नाहियाओ जसोमती जननी गो मार नाहियाओ भजन तो गाउछन्ति बहुत माने सुनिया पई सेमते इच्छा होछि तबे भजन छ आधुनिक बोलतनी जमा हां हां आधुनिक भी गाए मु तो आधुनिक वर्तमान पसंद ना जो पुरणा जो रहिछन्ति हमर चिर सब जो गीत सब रहिछि ताकु पसंद करन ना आजिर गीत भी पसंद करन सब गीत हम पसंद करे किंतु गायक मते भल लागे ठीक भावपूर्ण गीत मु लेखाटा को बेसी बाछे लिरिक्स अनुसार आपण गीत चयन करथु जो लिरिक्स माने माने हटा मु मन को पाए ताकु ही मु गाए कारण भाव नथले मु गाई परेनी तो आधुनिक गीत जदि अच्छी किसी से बहुत जोटा कि आप पसंद करते गोटे गीत मो गीत अच्छे मोर निजर निजे रचना कर गाई रेडियो रे ओके ओके रेडियो रे तुम जीवन जाऊ तुम जीवन जाऊ मुचाली मने राखी थी प्रिय जीवन ही भूली तुम जीवन जाऊ मुचाली मलय कहिब जेबे तुमरी कहानी अंतरे उठिब कोह झरिब श्रावणी पाइथिल भल मोते दिनारे मने रखी थी जीवन ही भूली मने रखी थी
तो कमलाकांत जो भाई भाव में मैडम गीत शुणिले भजन जी सुमधुर जी आकर्षण आधुनिक गीत भाव अति सुंदर परेषण करुले खास करी ये गीत गुड़िक जितेबले बेतार मध्यम जितेबले रेडियो मध्यम जितेबले सकाळ सकाळ सुनिबा को मिले परिवेश गोटे अलग थाए आजिकल रेडियो आदृति कमी गला लोक माने रेडियो शुणुना जदि किए शुणु एफएम शुणुचार चिन्ही पारे कारण मुझे मैडम आम पाखे बसी भी मुझे आखि बंद करी मुझे गीतटी मैंने से शुणीपार कारण जदि देखा से जो गीतर जमी आप कहते हैं लिरिक्स को बुझुच्च गीत जो शिखा पर जो मैंने गीतटी बाहर ता बर्तमान आमको सेमती फिल हो तबे मैडम गोटे मनर मोर प्रश्न जेहतु बर्तमान मुझे देखी जो स्टेज शो हूँ भजन जो होती भाव में किसी जन तार दर्शक रही कि मैडम स्टेज शो करोसी प्रोग्राम जात भजन बेले आपको रेस्पन्स मिली बर्तमान से कथ कह कारण जब देखिए समस्ते टे फास्ट गीत नाच गीत है सेटाक टी अधिक एंजय कर गुरुत्व दौरान कि भजन आपत गाँव जे गीत बुझी थी नि से प्रशंसा करिवो किंतु आपण जेतु आपण सेठी बसुचंती आपणक फीलिंग्स कोन रहिछ दर्शक तांतर बहुत प्रकार अछंती माने समस्त फास्ट गीत भल पाइबे हम देखि माने नै सब टाइप रो दर्शक अछंती तुम तांको सब टाइप रो सुना जीवो तुम तांको भल जिंस देले से सुनि आपण कोथरे साउंड छंती भजन रो ना आधुनिक गीत भजन रो आधुनिक मु जेतु आधुनिक माने आजकल आधुनिक प्रोग्राम बहुत कम हुए मेलोडी प्रोग्राम जोडे के तेणु मोर मैक्सिमम भजन प्रोग्राम भजन ओडिसी क्लासिकल भी मु गाए ये सब प्रोग्राम करे किंतु आपण जेतेबेले आपण सीधा सळक श्रोता मानक आगरे परिवेषण करंती कोनोसी स्टेज रे कोनोसी भजन संध्या हो एवं ऑल इंडिया रेडियो बा टीवी स्टूडियो भितरे बसिकी आपण गीत गाती कोटा आपण बेसी सटिस्फेक्शन दिए स्टूडियो भितरे बसिकी गाइबा ना डायरेक्ट श्रोता मानक आगरे बसिकी परिवेषण करबा हां स्टेज रे गाइले ता तार गोटे चार्म अलग स्टूडियो गले तार भी गोटे चार्म अलग सब भल लगे किंतु स्टेज रे गाइले समस्त आगे गाइले भल लगे ओके तो आपण जितेबले ऑल इंडिया रेडियो रे बा दूरदर्शन रे जितेबले आपण संगीत परिवेषण करती एटा गोटे कहा जाए पारिबो कि गोटे बड़ दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो रे गोटे बड़ भूमिका रही अनेक कंठशिल्पी को गढ़ी तोलिबारे एवं से मानको जीविका दबारे तो सेटा ये धाराटा एबे भी अव्याहत से भली भाव में रही से धारा किसी परिवर्तन आसी आम देखुले आगुरी जो माने भी आसुचंती बड़ बड़ सिंगर आम राज्य में ऑल इंडिया रेडियो माध्यम से माने आसुचंती पर बहुत पॉपुलर होती तो से धाराटा एबे भी रही चेंज हो धारा रही चेंज हो क्या बर्तमान बहुत आर्टिस्ट बाहर मान आर्टिस्ट अनुसार स्टेज कम एबे तो पूरा स्टॉप ही है कोरोना पई एबे कोरोना पई तो पूरा बंद जा स्टूडियो काम चली स्टेज प्रोग्राम तो पूरा बंद मुझे करेनी कहीं मुझे कमर्सीज नुह मत गाइले भी भल लगे मन मोर जो संगीत को भल पाती संगीत रोजगार कर रोजगार अधिक करेंगे उद्देश्य कमर्शियल पर्पस रे मुके पे गाइनी मैडम कार्यक्रम तो सारीबा बहुत सुमधुर कंठ आपण कंठ रे सुमधुर भजन एवं आधुनिक गीत आमे सुनिले शेषरे गोटे महाप्रभुंकर जणाण हो भजन हो एवं ता सहित आमे आजिर कार्यक्रम को सारीबा आपण को मध्य विदाय जणेबा अच्छा तले पारंपरिक गीत गाउ छी जगन्नाथ हो किछि मागु नाही तोते हे जगन्नाथ धन मागु नाही जन मागु नाही धन मागु नाही जन मागु
नहीं मागुछि सरधा बालिरु हाते हे जगन्नाथ हो किछि मागु नहीं तोते किछि मागु नहीं तोते किछि मागु नहीं तोते। पूरा सतेज सकाल परिवेश को आपण भक्तिमय कर देले महाप्रभु जड़ाण बहुत सुंदर बहुत पॉपुलर बहुत बहुत धन्यवाद देवा चाहिए आमर तो इच्छा और दर्शक माने इच्छा करथुवे जे आपन कंठरु आहुरी सुनिबा पाई गीत भजन किंतु समय पाबंदी आमको कार्यक्रम सारिया को पड़ी और बहुत बहुत शुभेच्छा बहुत बहुत धन्यवाद मैडम प्रतिमाराणी पंडा सहित आपन जोग देले एवं आपनकर कंठरु भल सुमधुर भजन एवं आधुनिक गीत शुणेले आपनकर संगीतर यात्रा आगको जारी रहू आहुरी सफल होवंतु आहुरी पॉपुलर होवंतु महाप्रभुंकर भजन जणान आपणक कंठरु श्रोता एवं दर्शक मानू सबुले शुणा को मिलता ए शुभेच्छा शुभकामना सहित आपण को बहुत बहुत धन्यवाद एवं समय मध्य हो जाए सतेज सकाल को आज ये रखा विदाय दिंतु कमलाकांत शक्ति साई को नमस्कार।